तो कौन सा रूप है तुम्हारा? तुम्हारा कोई एक रूप हो तो मैं बताऊं, यथाम सर्वम प्रपन्न भूतम, तुम्हारे भगवान के जितने रूप होते हैं उतने सारे रूप भी तुम्हारे हैं। कितने रूप हैं तुम्हारे बोलो? पत्नी के आगे जाओ तो अलग रूप है, क्योंरी क्योंरी हो गया, और मम्मी के आगे जाओ तो अलग रूप है, माँ माँ हाँ, पापा के आगे गए तो अलग रूप है, पापा जी प्रणाम कर रहा हूँ, मैं जल्दी में हूँ, मैं जा रहा हूँ, आशीर्वाद, अलग रूप हो गया। दोस्त के पास गए, अलग रूप हो गया। है तुम्हारे पेट में से निकला हुआ खिलौना आया, उसके सामने अलग रोब है, तो रे गया नहीं क्या तू, सुबह से बोला था, आए 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 आए, अलग हो गया। कितने रूप है? ये तो मैं रूप बता रहा हूँ, अब नाम बताने लगूंगा तो आप हैरान हो जाएंगे। एक तो पंडित जी ने नाम रख दिया आपका, लेटर चिट्ठी वाला, जो सब जगह चलेगा। एक नाम ऐसा है जो सब जगह नहीं चलेगा, है कोई अचानक आपके बड़े भाई को बच्चा हो गया और बच्चा उसके हुआ, नाम आपका बढ़ गया, पैदा होते ही चचा चचा हो गया आप, चचा चचा चचा, उसको बच्चा नहीं आप चचा नहीं, बड़े भाई को बच्चा हुआ आप चचा हो गए, देख लो कितनी बढ़िया बात है। आपके साले को बच्चा हो गया आप फूफा हो गए, देख लो कितनी, आपके नामों की गिनती नहीं है, ये दुनिया पैदा हो रही है, नाम आपका बढ़ रहा है, प्रशंसा आपकी बढ़ रही है, जय जयकार आपकी बढ़ रही है। आपकी बहन ने बच्चा दे दिया, आप मम्मा मम्मा हो गए, मामा मामा, आपकी माँ की बहन को बालक हो गया, आप भैया हो गए, आपकी पत्नी की बहन को ब्याह हो गया आपका, तो आप जीजा हो गए। कितने नाम है जी आपके, बोलिए कोई गिनती है, कौन सी कुंडली में नाम लिखे? ये तो महाराज इंद्र देवेश्वरा है इसीलिए आप अपने नाम पहचान रहे हैं, नहीं आपको मालूम ही नहीं था हम जीजा भी हैं किसी के, आपको पता है कि हम मामा है किसी के? नहीं, आप थे नहीं, बने बाद में, मामा थे नहीं आप, बने, आपकी बहन को बालक नहीं था, मामा नहीं थे आप। ये दुनिया जैसे जैसे बनती है वैसे नाम भी बिगड़ते जाते हैं महाराज, इसीलिए एक में कितने समाए हैं कोई इसका अंदाजा लगा सकता नहीं। एक में कितने समाए, कौन अंदाजा लगाएगा बताओ, कैसे बताएंगे इतना, ऐसे कैसे समाए है? एक में अनेक है, भगवान ने कहा एको अहम बहुश्यामि, यह लीला है संसार की, इसको समझना बहुत ही कठिन है। यस्यम दुर्लभम यथा मूलम, आज एक चिट्ठी आई है मेरे पास में सुबह, एक बाबा ने चिट्ठी भेजी है, बाबा ने लिखा है कि महात्मा जी ये बताइए, हम बड़े परेशान हैं, कोई कहता है संसार झूठा है, और संसार अगर झूठा है तो गीता ये कहती है कि संसार को जो झूठा मानते हैं वो दुष्ट हैं, दुष्ट हैं, हैं बाबा हमें बताओ क्या सही क्या गलत है। तो महात्मा जी जिन्होंने चिट्ठी लिखी है उनके लिए धीरे धीरे प्रवचन यहीं तक पहुँच गया कि तुम्हारे सवाल का जवाब अब व्यासपीठ दे रही है। नगतम भूतम संसारम प्रबद्धम योग क्षण क्षण, संसार को सत्य कहना भी सत्य नहीं है और संसार को मिथ्या कहना भी सत्य नहीं है, संसार को झूठा भी कह नहीं सकते और संसार को सत्य भी मान नहीं सकते। इसीलिए भगवान कृष्ण और आगे 15वें अध्याय में स्पष्ट करते हैं, 8वें अध्याय की बात को 15वें अध्याय में सिद्ध करते हैं, विलक्षणम तत्त्वम जताभूतम संसारम कृत्व कारणम। ये संसार क्या है बाबा जी, चिट्ठी लिखने वाले बाबा जी, ये संसार विलक्षण है, इसे कोई भी संसार के लक्षण को समझ सकता नहीं, संसार के लक्षण कोई नहीं समझ सकता है। मोटरसाइकिल पे जब कोई बेटा जा रहा है तो बिल्कुल सत्य है, मैंने अपने ही मोबाइल में उसका वीडियो बनाया, मेरे सामने किक मारी, मेरे सामने गया, पर जैसे मेरी नजरों से दूर हुआ बाद में उधर से एक और वीडियो आया कि ट्रक के नीचे वो वीडियो चला गया, कुचलता हुआ वो समाप्त हो गया। दो वीडियो है उसके, एक वीडियो कहता है कि वो जिंदा है और एक वीडियो कहता है वो मरा है, पर दोनों ही सत्य है और दोनों ही सत्य, दोनों ही असत्य हैं। इसीलिए बीच में क्या रास्ता निकाला भगवान ने, विलक्षणम यथा लक्षणम, संसार में कोई भी लक्षण कोई तलाश सकता नहीं, संसार का लक्षण कोई ढूंढ नहीं सकता है। इसलिए संसार में ज्यादा दिन राम भी नहीं रहे, ज्यादा दिन कृष्ण नहीं रहे, संसार में ज्यादा दिन नहीं रहता कोई, क्योंकि यहाँ कितने भी रह लो यहाँ किसी के पैर टिकने वाले नहीं है, लक्षण नहीं समझ में आएंगे किसी को। आप अपने बेटा बेटी को हो कितना भी संस्कार दे लो, प्यार दे लो, ज्ञान दे लो, पर उनके लक्षण आपको समझ में नहीं आ सकते, वो क्या गुल खिला रहे, कौन से गुल खिला रहे, कौन से कोने में खिला रहे, किसके साथ खिला रहे, है नहीं समझता। देख लो तुम्हारे पेट में से निकला लड़का जवान होके क्या क्या गुल खिला रहा है किसी को भी पता नहीं है,
झूठ है कि सच है अब कोई नहीं जानता। हैं, पकड़े गए तो चोर और नहीं पकड़े गए तो साहू। पकड़े गए तो चोर, नहीं तो सज्जन साधु सज्जन है सत्यवादी हरिश्चंद्र। पकड़े गए तो झूठ सच्चे, अब क्या करें। विलक्षणम तदा मेधम है, वेदांत कहता है कुछ नहीं है सब झूठा है, है ब्रह्म सत्य जगत मिथ्याम। ये हो गया एक सिद्धांत। अब जगत मिथ्या है तो क्या करूं, अपने पिताजी को पिताजी कहूं कि नहीं कहूं, दादाजी को दादाजी कहूं कि नहीं कहूं, ये भी तो जगत के पुतले हैं। अब क्या सत्य मानूं क्या झूठ मानूं समझ में नहीं आ रहा है। एक सिद्धांत ये कहता है कि दुनिया में कोई किसी का होता नहीं है। अब ये भी है, अब कोई किसी का है ही नहीं तो काहे को शादी ब्याहों में खामखा झगड़े में पड़ रहे भैया। तो है लड़की उस गांव में पैदा हुई है, लेना ना देना पहचान नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं, तू यहां पैदा हुआ फिर भी जोड़ा जोड़ रहे हैं, फिर भी बिचौलिया बिचौरा मार रहा है, फिर भी लारा मौसा कर लो ना, अच्छी लड़की है ना कर लो ना, अच्छा लड़का है ना कर लो ना, मामा भी जोर लगा रहा है मौसा भी जोर लगा, जब कोई किसी का है ही नहीं तो जोर क्यों लगा रहे बाबड़ो। अब सही मानू क्या गलत मानू ये समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए महाराज इंद्र देवेश्वरानंद की मति और ये भागवत की गति क्या कहती है, विलक्षणम कदम संसार भूतम। संसार को सत्य और या असत्य दोनों ही मानने की जरूरत नहीं है। संसार केवल व्यवहार है, संसार मंजे मतलब व्यवहार, संसार माने कुछ नहीं है व्यवहार है। आप जितना व्यवहार कर लो संसार उतना बड़ा हो गया, आप व्यवहार छोटा कर लो संसार छोटा हो गया। संसार को व्यवहार ही माना गया है और कुछ नहीं है, इसलिए इसका कोई अस्तित्व मानते हैं। संसार सत्य होता तो मरण नहीं आता शरीर का, ये ध्यान रखो। परिवर्तनम परिवर्तन 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 है जी, आप सब बोलिए है जी। अमीचंद जी 50 साल पहले कैसे थे आप, एकदम बम्मा पे दौड़ लगाते होंगे दूध पी के और दौड़ के पेड़ पे चढ़ के आम तोड़ते होंगे, और आज हाल देखो कैसा है। हैं, अब दूध तो पीते हैं पर दौड़ नहीं होती, आम भी नहीं टूटते। अब तो नीचे खड़े होके पेड़ का इंतजार करते हैं, कोई चिड़िया काट के पेड़ से डाल दे डाल दे डाल दे डाल दे, उठा लू उठा लू। अब ये पोजीशन आ गई है। अमीचंद जी तो हैं पर अवस्थाएं अमीचंद जी की रही नहीं है, नकली हो गया काम, नकली हो गया है। हैं जी, आज से 15 साल पहले पूरे दांत थे भगत जी आपके, आज कहाँ चले गए, थे पर गायब हो गए, होके भी नहीं रहे। इसलिए संसार को न सत्य कहा जा सकता है और ना झूठ कहा जा सकता है। संसार केवल व्यवहार है, इसके अलावा संसार कुछ भी होता नहीं नहीं है। विलक्षणम तदम गत्वाम, संसार में कोई लक्षण ढूंढने निकलेगा वो बावला हो जाएगा, पर उसे कहीं लक्षण मिलने वाला नहीं। जहां आपको लक्षण दिखाई देंगे उसी की बगल में आपको कुलक्षण दिखाई देंगे। याद रखें संसार को कैसे हम सत्य कहें, जो रबड़ी आप खाते हैं रबड़ी समझ के मजा लूटते हैं, कल मैंने कहा था आज फिर समझा रहा हूं, जो रबड़ी आप रबड़ी समझ के खाते हैं जैसे ही वो कंठ में उतरती है वही रबड़ी लैट्रिन बन जाती है, मल बन जाती है, मूत्र बन जाती है। जिस गंगाजल को आप गंगाजल पीते हैं वही गंगाजल आपकी किडनी में होकर बाथरूम में आपकी इंद्री के बाहर आता है, बदबू मारता है उसी गंगाजल में से। अब गंगाजल को सत्य कहूं या झूठ कहूं समझ में नहीं आ रहा है। इसीलिए सब सत्य है और सब झूठ है, केवल परब्रह्मम तदा मूलम, परमात्मा के अलावा कुछ भी सत्य पतित होता नहीं। जिसमें परिवर्तन नहीं वही परम सत्य है। गतम भूतम यथा मूलम, वैसे भी प्रकृति को सत्य तो कहा पर विलक्षण सत्य है इसको समझना बहुत कठिन है। अच्छा एक बात बताओ, भले हम 100 साल के ही रहे नाम ज्यादा ना जिए पर बूढ़ा होना कोई जरूरी है क्या, तो परमात्मा को चाहिए कि हमें बुढ़ापा ना दे, पर क्या करें सत्य तो सत्य है ही नहीं झूठ तो झूठ है ही नहीं। है? आप ऐसे थे ऐसे ऐसे होके ऐसे हो गए और फिर ऐसे ऐसे होके फिर ऐसे हो गए, देख लो। अब इसको सत्य कैसे कहें झूठ कैसे कहें, आप तो हैं पर आप में कुछ नहीं बचा, खत्म हो गया सब। आंखें छिना ली भगवान ने, दांत छिना लिए, कान छिना लिए, पैर छिना लिए, खाली एक स्ट्रक्चर आडंबर एक फोटो सा खड़ा रखा हुआ है जिसे बुढ़ापा कहते हैं। क्या कहते हैं, बुढ़ापा, जो जगत में सबसे बड़ा दुश्मन है। इसकी रिपोर्ट भी नहीं कर सकते पुलिस को, दुश्मन की रिपोर्ट तो कर सकते हैं कि महाराज सिपाही से कह सकते हैं कि ये मुझे मारने घूम रहा है, बुढ़ापे की रिपोर्ट भी नहीं है, इसका कोई कानून भी नहीं है। इससे बड़ा दुश्मन जगत में कोई और नहीं है, नहीं है। सबसे बड़ा दुश्मन
बुढ़ापा है, इससे बड़ा दुश्मन कोई नहीं है, है? इसीलिए एक छोटी सी पंक्ति गाएंगे और बुढ़ापे को प्रणाम करते हुए आगे बढ़ेंगे। यशम भूताम तदम जरानाम मेधा श्रुति च योग्यताम, करना है सो कर चल, करना है सो कर चल, और बंदे और ये समय यूं ही जावे, अरे फिर बुढ़ापा बैरी तेरा बुरी तरह आवे।